अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को एमफिल और पीएचडी के टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो आप लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि 100 MCQs का एमफिल का टेस्ट आएगा जिसे गैट कहते हैं, और 100 MCQs का पीएचडी का टेस्ट आएगा जिसे जीआरई कहते हैं। ठीक है, 100 MCQs में से 65 जो MCQs होंगे वो आएंगे आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट। ठीक है, 65% MCQs आएंगे आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट। अब सब्जेक्ट रेलिवेंट MCQs के लिए आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी कल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट पे जाना है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन वाला जो कॉर्नर है उसमें जाना है, उधर जाके क्वेश्चन बैंक में जाना है, क्वेश्चन बैंक में जाके अपने जो रेलिवेंट सब्जेक्ट, अपना जो आपका सब्जेक्ट है जिस जो आपकी लास्ट डिग्री है उसी का ही टेस्ट होगा। जो आपने पिछली डिग्री की है, जो करंट डिग्री आपने की है जिसकी बेस पे आपने एडमिशन लेना है, उस सब्जेक्ट का आपने क्वेश्चन बैंक से जो है फाइल डाउनलोड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डिग्री हॉर्टिकल्चर में थी तो मैं हॉर्टिकल्चर की फाइल डाउनलोड कर लूंगा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन बैंक की जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद एक तो आपकी तैयारी होगी, दूसरा आपको आइडिया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। अब उस फाइल को करने के अलावा एक तो उसमें से एमसीक्यूज आएंगे, दूसरा जो आपके सब्जेक्ट की बेसिक्स हैं उसमें से एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। अब बेसिक्स क्या है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं हर सब्जेक्ट के, फिर आगे फर्दर सब्जेक्ट्स होते हैं जिस तरह फिजिक्स में, बोटनी में, जोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, हॉर्टिकल्चर में, पीबीजी में, तो हर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने उन सब्जेक्ट्स की जो बेसिक्स हैं, हर सब्जेक्ट की जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी बेसिक्स को भी करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जिट एमसीक्यूज होते, यानी कुछ बेसिक साइंसेस की यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिक साइंसेस डिग्रीज वालों का 8वें सेमेस्टर में एक एग्जिट टेस्ट लेते हैं, वो भी एमसीक्यूज आपके पास होंगे, उन एमसीक्यूज को भी कर लीजिएगा। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के लिए एमसीक्यूज मिले होंगे उन्हें, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट की ग्लोसरीज हैं उन्हें करें। तो 65% तो आना है आपके सब्जेक्ट में से। अब बाकी 35 MCQs कहाँ से आने हैं? जो बाकी 35 MCQs हैं वो आने हैं वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से। तो वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग में से 35 MCQs आने हैं, 35 MCQs आने हैं इस पोर्शन से। इस पोर्शन को करना किस तरह है, तो क्वेश्चन बैंक में एक फाइल है वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नाम से। ठीक है, तो वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से ये फाइल है, इसे डाउनलोड कर लें। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने देखा होगा कि ये सवाल नंबर एक है, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप इन पेजेस का प्रिंट ले लें, यूनिवर्सिटी से प्रिंट निकलवा लें, वहां से सस्ता पड़ेगा। अगर प्रिंट नहीं ले सकते तो लैपटॉप के ऊपर ओपन कर लें और कोई कॉपी वगैरह पकड़ लें और उसके ऊपर ये कर लें। वैसे प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में भी आपके काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो आप लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के सवाल होंगे। मेरी 4 वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, 4 लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जो गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप लाइव एक सेशन, एक सेक्शन है वीडियोस का, एक सेक्शन है लाइव। तो जो लाइव सेक्शन है वहाँ पे लेक्चर नंबर 1, 2 और 4 पड़े हुए हैं, यूएफ एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, और वीडियो वाले सेक्शन के अंदर क्लास 3 की वीडियो पड़ी है। तो चारों जो मेरे लेक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं चारों लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा। तो
तो वो चार वीडियोस आप देखें, ठीक है, चार वीडियोस देखें, और जो उसमें काफी सवाल हैं जो मैंने करवाए हुए हैं। अब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं वो जस्ट इस ऑप्शन को मानते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये इस फाइल के अंदर आंसर ठीक दिया है या गलत दिया है। उन्होंने ये देखना है कि हमने क्या पूछा है। यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उन्होंने इस फाइल से एज इट इज कॉपी पेस्ट करके पेपर के अंदर क्वेश्चन दे देने हैं। आपने क्या करना है, आपने पेपर पकड़ना है, पेपर को आपने करना किस तरह, आपने पेपर पकड़ना है, पेपर पकड़ के सबसे पहले तो आपने वो 65 MCQs करने हैं अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट, अपने सब्जेक्ट रेलिवेंट 65 MCQs फटाफट करने हैं। उसके बाद आपने जो 35 MCQs हैं इनकी एक दफा करनी है रीडिंग, इनकी एक दफा रीडिंग करनी है, कोई ऑप्शन नहीं लगानी, एक एक नजर देखना है। अगर आपको इन 35 MCQs में एक भी MCQ ऐसा मिलता है जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, जिस तरह इस फाइल के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, अगर आपको कोई एक भी क्वेश्चन मिलता है कि जिसकी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, जिसकी ऑप्शंस गलत लिखी हुई हैं जिस तरह इस फाइल में लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली ऑप्शंस उस पेपर में लगानी है, आपने ये वाली ऑप्शंस उस पेपर में लगानी, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके पेपर के अंदर ये सवाल दे दिए हैं, तो आपका एग्जामिनर जो है वो ये वाली ऑप्शंस डिमांड कर रहा है, तो आपने ये वाली ऑप्शंस लगानी है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने ये वाली ऑप्शंस लगानी है, जो सही ऑप्शंस है वो लगानी है, तो वो इसी तरह पता लगेगा, पहले आपने 35 MCQs देख नजर देख लेने हैं कि अगर तो 35 के 35 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक लिखी हुई और 35 की ऑप्शंस भी ठीक लिखी हुई, तो फिर तो एग्जामिनर ने पेपर खुद बनाया है, उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर एग्जामिनर ने पेपर कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो इट मींस के वो ये वाली ऑप्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शंस को फॉलो करेगा। अब आपने जब ये 35 MCQs पढ़ने हैं तो आपने घंटों नहीं लगा देने, पेपर के अंदर टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, मैक्सिमम आपने 5 मिनट लगाने हैं, ये 35 MCQs को देखना एक नजर, मतलब छोटे बच्चों की तरह रीडिंग करनी, नहीं लग जाना वर्ड टू वर्ड, एक नजर फेरनी है, ठीक है, आपने पकड़ने और एक नजर दौड़ानी है 35 के 35 MCQs के ऊपर। ये नहीं है कि जो बाकी टाइम बच गया है वो सारे का सारा पढ़ने पे लगा देना है, वर्ड टू वर्ड रीडिंग रीडिंग रीडिंग। माशाल्लाह बाप लोग जो है, ठीक है, वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, तो बाप लोगों की इतनी जो है ना वो नजर चील की तरह तेज होनी चाहिए कि आप एक पेज को एक नजर देखो और आपको पता चल जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ। तो एक नजर देखना है आपने, ठीक है, वो 35 MCQ, उसको टाइम नहीं जाया करना, तो 5 मिनट होंगे आपके पास, उस 5 मिनट में 35 MCQ उसको देखना है। हाँ, अगर तो वो गलती हुई और ये ऑप्शंस वाला ही हुआ तो फिर तो जो आपने यहाँ पे ऑप्शंस क्रैम की होंगी, ठीक है, ये रटा लगाया होगा, तो वो आपने एज इट इज 5 मिनट में लगा देनी है, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल ठीक हुआ और ये इस पेपर इस पेज इस फाइल वाली इस फाइल वाले सवाल ना हुए, स्टेटमेंट चेंज हुई, अगर स्टेटमेंट चेंज हुई तो इसका मतलब टीचर ने खुद बनाया है, तो फिर आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये वाली ऑप्शंस लगानी है, सही वाली ऑप्शंस लगानी है, तो ये वाली ऑप्शंस लगानी है, सही वाली लगानी है, इसके लिए पहले आपको 5 मिनट वो पढ़ना पड़ेगा। अगर तो स्टेटमेंट चेंज हुई तो फिर MCQ 66 से लेके MCQ 100 तक आपने सॉल्व करके लगाना है, ठीक है, आपने उसको सॉल्व करके लगाना है। अगर तो स्टेटमेंट्स वही हैं जो ये फाइल वाली हैं, तो फिर फाइल वाले आंसर टिक 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 करके जो है वो लगाते जाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, आपको सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए और ये ऑप्शंस भी आपकी फिंगर टिप के ऊपर होनी चाहिए। आप लोग इजीली 80+ स्कोर ले सकते हो, अगर आप इन 35 मार्क्स में से 33 32 ले लेते हो तो आप इजीली 80 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। देखो ये जो 35 मार्क्स है ना, ये फ्री के हैं, ये मुफ्त के हैं, ठीक है, ये मुफ्त के नंबर हैं, ये रटा लगा लें, ये 44 पेजेस हैं,
सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया इन 4 लेक्चर्स में, और ये जो मैंने क्लासेस रखी थी उसमें एनालिटिकल वाला भी करवा दिया है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये 35 में से आप 32-33 इजीली ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे नंबर के ऊपर मैसेज करें। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 03-00-42-19-263, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो व्हाट्सएप ग्रुप है गूगल्स लाइसियम का, जहाँ पे एमफिल रेलिवेंट जो है वो डाटा वगैरह शेयर किया जाता है, ठीक है। तो 03-00-42-19-263 जो है वो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फाइल को किस तरह करना है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और साथ आगे उसकी ऑप्शन। अब इसके अलावा देखो कि ये सारे के सारे सवाल आपने करने हैं, सिर्फ एनालिटिकल वाले सवाल नहीं करने, कि जितने भी हर तरह के सवाल लिखे हुए हैं ना, ये पूरी की पूरी फाइल को करना है आपने, ये पूरी की पूरी फाइल को करना है, इस फाइल की हर चीज को करना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी फाइल को करना है। अब इस फाइल के अंदर इंग्लिश ग्रामर से रेलिवेंट चीजें भी हैं, तो आपने एक नजर दौड़ा के वैसे भी टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, और जो आपकी करेक्शन है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। तो आर्टिकल्स की, तो इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसको भी एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के रूल्स भी एक नजर देख लीजिएगा, इंग्लिश के लेक्चर्स भी गूगल्स लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएं तो इंग्लिश लेक्चर्स की प्ले लिस्ट है, वहां पे आप टेंसिस के रूल्स को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। गूगल्स लाइसियम के लेक्चर्स पड़े हुए हैं इंग्लिश के ऊपर, तो आप प्ले लिस्ट में जाके टेंसिस को, प्रेपोजिशंस को एक नजर देख लें, ठीक है। और बाकी जो करेक्शन आर्टिकल्स वगैरह के जो करेक्शन है उसको भी देख लें, ठीक है। मतलब कि अगर आपका टीचर जो है इन स्टेटमेंट्स के अलावा भी अगर कोई इस फाइल से बाहर की कोई स्टेटमेंट देता है, तो कम से कम आपको वो चीज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इन सवालों की, और आपको ये सवाल करने आने चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरह करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि ये सवाल किस तरह करते हैं, क्योंकि आपका टीचर इस फाइल से भी दे सकता है और इस फाइल से बाहर भी दे सकता है। आपको किस तरह पता चलेगा कि इस फाइल में से ही आया है, वो इस तरह पता चलेगा कि आपको 5 मिनट में एक नजर पढ़ना पड़ेगा 35 के 35 सवालों को, जस्ट 5 मिनट्स। जो भी आप जिंदगी में एग्जाम दो, एक घड़ी आपकी आपके बाजू के ऊपर होनी चाहिए, लड़कियों के भी लड़कों के भी। तो जब भी आप पेपर देने जाओ तो आपने एक रिस्ट वॉच जो है वो पहन के जानी है, और 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं देना, ठीक है, एक्स्ट्रा रीडिंग को। 100 MCQs है, टाइम मैनेजमेंट आपके अब जिम्मे है, टाइम मैनेज करना है आपने, और आपने 100 out of 100 MCQ सोल्व करके आने हैं, और टाइम भी मैनेज करना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि पहले 65 MCQs के ऊपर ही सारा टाइम लगा दो और 35 को जो है वो छोड़ दो, ठीक है। टाइम आपके पास जो है वो मेरे ख्याल से गुलाम मईउद्दीन कितना टाइम होता है, 1.5 घंटा होता है मेरे ख्याल से। टाइम जो है वो आई थिंक 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा होगा आपके पास टाइम, 90 मिनट्स होता है टाइम मेरा ख्याल है, ठीक है। पेपर के ऊपर टाइम लिखा ही होगा, ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा टेस्ट का टाइम। तो आप लोगों ने जो है वो जी गुलाम मईउद्दीन बता रहे हैं कि जी 90 मिनट्स है, तो 90 मिनट का टाइम है, आप लोगों ने टाइम नहीं जाया करना। बच्चे क्या करते हैं, वो टाइम बहुत जाया करते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये अपने सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करो, और हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है मेरे पास, वो आज आज की रात, आज डेट क्या है, 7 जून 2023, तो रात 12 बजे तक मैं हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो मेरे पास फाइल्स हैं एक्स्ट्रा वो मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। कुछ सब्जेक्ट्स की मेरे पास फाइल नहीं भी हैं, तो जिस सब्जेक्ट की मैं नहीं भेजूंगा इट मीन्स कि उसकी मेरे पास फाइल नहीं है, तो वो आपने वो भी एक्स्ट्रा मटेरियल कर लेना है, ठीक है। तो इनशाला जो है वो आप लोगों के साथ जो मैथ की क्लास है वो मंडे को होगी, ठीक
ठीक है, तो मंडे को डेट क्या बनती है, 12। तो 12, 13 और 14 तारीख, आपका टेस्ट 17-18 को है ना, तो 12, 13 और 14 तारीख को मैं मैथ के एक सवाल दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। तो 12, 13, 14 को जो मैथ की बाकी चीजें हैं ना वो हम करेंगे, 12, 13 और 14 को, ठीक है। 12, 13 और 14 जून को, 12, 13 और 14 जून को इस फाइल के बाकी सवालों को हम करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग मैंने करवाई है, तो 12, 13 और 14 को इस फाइल के बाकी सवालों को भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। 11 जून को जो है वो मेरे स्टूडेंट्स का इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है, इलेक्शन ऑफिसर का। कल उनको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लेक्चर देना है, और जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है 2017 का, इलेक्शन रूल्स जो है उनके ऊपर लेक्चर देना है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, संडे तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इलेक्शन ऑफिसर की तैयारी करवानी है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को 3 दिनों के अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स को पीपीएससी, एफपीएससी का मैथ्स भी करवाना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को जो है वो मैं बाकी तरह के जो सवाल हैं, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। तो इस फाइल को किस तरह करना है ये सवाल है, आगे उसकी ऑप्शन लिखी हुई है, ठीक है। हर सवाल का आंसर इस फाइल के अंदर दिया गया है, बाकी मेरे 4 लेक्चर्स हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, क्योंकि यूट्यूब जो वीडियो है इसके ऊपर मैं मैसेजेस बहुत लेट पढ़ता हूँ, कमेंट्स बहुत लेट पढ़ता हूँ, तो बेहतर यही है कि आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, 0300-421-9263, ठीक है। तो आजकल थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी लेट ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन कम अज कम मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब की निस्बत जो है वो मैं व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा एक्टिव हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, आजकल। अदरवाइज मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये 11 तक जो है वो मैं कम ही पढ़ूंगा। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और गूगल लाइसियम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको वक्तन फवक्तन क्लास के जो लिंक्स हैं वो मिलते जाएं, और बाकी जॉब्स वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी पता चलता जाए, ठीक है। किसी का भी सवाल है तो पूछ लो। आप में से किसी स्टूडेंट का, जो 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका कोई सवाल है तो पूछ लो। जो क्लास में अभी लोग मौजूद हैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी ठीक है, सना फरनास कह रही है कि उन्हें सारी समझ आ गई है, उन्हें सारा आ गया। ट्राइंगल वाले कैसे सॉल्व करें वो फिर हम मंडे को करेंगे, मोमना वो हम मंडे को करेंगे। सर एक इररेलीवेंट क्वेश्चन है जी, पूछो इररेलीवेंट क्वेश्चन।